हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आपको अपने घर का होम टूर करवाने वाली हूँ और हमारे घर को 1 जुलाई 2022 को एक साल कंप्लीट हो गया है। और गाइस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और ये चीज़ मैंने इंस्टा पे रील डाल के भी बताई थी। तो गाइस, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा घर कैसा है। और अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि इस घर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जितना घर कंप्लीट हुआ है उतना मैं आपको टूर करवा देती हूँ। तो मिलते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये है एंट्रेंस, ये घर का मेन गेट है, ये है रैंप जो कि अभी थोड़ा ऊंचा बन गया है, जो कि बाद में जब भी फोर व्हीलर आएगी तो इसे थोड़ा टूट के नीचे करवाएंगे जिससे कि फोर व्हीलर चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो गाइज, ये है एंट्रेंस घर का और मैं थोड़ा दूर जाकर भी आपको घर का लुक दिखा देती हूँ बाहर से कैसा है। तो गाइज, अभी मैं सामने वाले प्लॉट में आ गई हूँ जो कि खाली है और यहाँ से मैं आपको घर का पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो गाइज, अगर हम लोग बाहर से देखें तो बाहर से घर ऐसा दिखता है। ये एलिवेशन है घर का। तो ये तो गाइज फ्रंट साइड हो चुका हो है, फ्रंट साइड है घर का। और मैं आपको साइड व्यू भी घर का दिखा देती हूँ। ये गाइस कॉलोनी है हमारी और ये गेट है जहाँ से एंट्री होती है सी ब्लॉक में। तो गाइस, मैं आपको साइड व्यू भी दिखा देती हूँ कि साइड में घर कैसा दिखते हैं, तो कैसा दिखता है साइड में, एलिवेशन क्या है। तो गाइस, ये है घर का साइड व्यू। तो गाइस, ये ढंग से दिख नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बीच में फोर व्हीलर खड़ी हुई है। तो गाइज, बीच में फोर व्हीलर खड़ी हुई है और जो सामने घर है वो घर का साइड व्यू है। तो गाइज, चलते हैं घर के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से घर। ये कॉलोनी है और जैसे गाइज मैंने आपको बताया था अभी घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर यहाँ पे अभी इस जगह पर बाउंड्री बनेगी और उसके ऊपर काला पत्थर लगेगा और उसमें क्या होगा, प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो गाइज, अभी थोड़ा सा बाहर का काम बाकी है और यहाँ पे मैंने जानवरों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है जो कि अभी खाली हो गया है, और क्योंकि डेली शाम को मैं फिल करती हूँ इसे। और गाइज, ये एक साइड वाला गेट है जैसा मैंने आपको मेन गेट उधर दिखाया था, और ये सिर्फ पेशेंट के लिए, मतलब पेशेंट इधर से तो कोई भी आ जा सकता है पर पेशेंट की एंट्री सिर्फ इस गेट से ही होगी। नमस्ते आंटी। तो गाइज, अभी इधर बाहर का थोड़ा काम बाकी है और इधर फ्रंट में भी गाइस नेम प्लेट अभी लगाई नहीं है, अभी नेम प्लेट लगना बाकी है ये। और गाइस, यहाँ पे भी अभी पूरा बाउंड्री बन के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो गाइस, चलते हैं अंदर। तो चलते हैं अंदर हम लोग।
तो सबसे पहले आता है घर की पार्किंग। तो गाइज ये है घर की पार्किंग पूरी। और ये सामने गाइज मेरा क्लिनिक है जो आपको रूम बंद दिख रहा है। तो एंट्री हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज एक तो एंट्री पॉइंट है ये, पर गाइज जो मेन एंट्री पॉइंट है वो ये वाला नहीं है, मैं आपको लेके चलती हूँ। ये बारिश आई थी तो थोड़ा पानी भर गया है, हल्का फुल्का। ये है गाइज मेन एंट्री पॉइंट, ये घर का गार्डन है और ये है केशु मौसम का आनंद लेते हुए। तो गाइज सबसे पहले आता है ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है और यहाँ पे ये कपड़ों का स्टैंड लगाया हुआ है गाइज, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बार बार ऊपर जाने में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको लाइट चला के पूरा दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो आपको ढंग से दिख जाएगा। तो गाइज हम लोग यहीं पे कपड़े सुखा देते हैं, बाहर रख देते हैं धूप में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बार बार ऊपर जाना फिर नीचे लेकर आना तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो गाइज ये आप देख लीजिए, ये हमारे घर का ड्राइंग रूम है। और गाइज ये अभी कपड़े धोए थे पर इन्हें सुखाने के लिए जगह नहीं थी, तो अभी कपड़े कुर्सी पे रख दिए हैं। जब थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे, दो दिन हो गए, थोड़ी नमी है, नमी जैसे ही निकल जाएगी वैसे ही मैं वापस ये कपड़े धुले हुए सुखा दूंगी। तो ये ड्राइंग रूम है गाइज, और ये हॉल है, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये जो है घर का हॉल है पूरा। गाइज ये जो है वो कॉमन लेट पाथ है और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। और ये है अटैच लेट पाथ। तो गाइज आज पिलो कवर मैंने धो दिए थे, इसलिए पिलो पे कवर चढ़ाया हुआ नहीं है, अभी सूख जाएंगे जब मैं वापस से पिलो पे कवर लगा दूंगी। गाइज ये सेकंड रूम है हमारा। गाइज ये जो अलमीरा है हमने पुणे में ली थी, पर ये बहुत काम की अलमीरा है, बहुत ही अच्छी अलमीरा है ये। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हमारे घर का सेकंड रूम है। और फिर आ जाते हैं हम लोग ड्राई बालकनी में। तो गाइज ये घर की ड्राई बालकनी है, ये वॉशिंग मशीन है जहाँ पे अभी कपड़े धोए थे, और यहाँ से बाहर कॉलोनी का व्यू ऐसा दिखता है। और अभी भगवान का टाइम हो गया है तो मैं मंदिर भी दिखा देती हूँ और लाइट भी चला देती हूँ मंदिर में। ये तुलसा जी हैं जहाँ पे हम रोज़ पूजा करते हैं इनकी। और गाइस ये है मंदिर। ये गाइस घर का मंदिर है ईशान कोण में, जो कि घर में मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यहीं से ड्राई बालकनी से भी मैं किचन में एंट्री कर सकती हूँ। तो मैं आपको किचन के दो रास्ते हैं तो है ना, आपको दोनों रास्ते मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ से ड्राई बालकनी से भी मैं किचन में यहाँ से एंट्री कर सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये जो है हॉल से भी हम लोग किचन में आ सकते हैं। तो हॉल में खड़े होकर मैं आपको किचन दिखाती हूँ।
तो गाइज हॉल में किचन ऐसा दिखता है, अभी हमने किचन बनवाया नहीं है, बाद में हम इंटीरियर करवाएंगे और इंटीरियर डिज़ाइनर मैं और केशु खुद ही होने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ने सोच रखा है हमें क्या इंटीरियर करवाना है घर का। और ये गाइज हमने पुणे में ये स्टैंड खरीदा था पुणे वाले फ्लैट में, तो यूँ की यूँ ये हमारा जो सारा सामान आप देख रहे हैं ये कुछ भी यहाँ का नहीं है, ये सारा सामान पुणे का है। तो गाइज एक एंट्री गेट ये भी है, तो आप उस कमरे से भी इधर आ सकते हैं और हॉल से भी आ सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है जब मैं खाना बनाती हूँ, तो बहुत प्यारी हवा आती है यहाँ से, तो चिमनी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने चिमनी वगैरह नहीं लगवाई। ये है मेरा प्यारा किचन। तो गाइज नीचे का तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइज ये जो है यहाँ पे हम लोग जो है स्टेयर्स के नीचे यहाँ पे प्लांट्स लेकर आएंगे, छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगाएंगे, क्योंकि बोलते हैं सीढ़ी जो होती है स्टेयर्स वो बुद्ध का रूप बोलते हैं, ऐसा मैंने देखा है, तो उसके नीचे कुछ भी ऐसे गंदा सामान नहीं रखते हैं। तो ये मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करवाऊंगी, कैसे थोड़ा टाइम मिलने का प्रॉब्लम होता है, और अभी ये जो ड्राई बालकनी का सामान है वो इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि गीला हो जाता है, वैसे तो ऊपर फाइबर लगाया हुआ है बट गाइस तिरछी बारिश आती है तो झाड़ू वगैरह गीली हो जाती है, इसलिए अभी फुर्दर टाइम ही यहाँ रखा हुआ है, बाकी ये सामान यहाँ का नहीं है। तो यहाँ पर पूरा जो होगा इंडोर प्लांट्स आने वाले हैं, और अब चलते हैं ऊपर। तो गाइज अभी जो है हमने रेलिंग नहीं लगवाई है, यहाँ पे पूरा कांच की रेलिंग लगेगी, तो चलते हैं ऊपर। तो गाइज अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो मैं सारे जो हैं रूम्स वहाँ पे लाइट्स ऑन करके आपको दिखाती हूँ, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइज ये जो है ऊपर वाले फ्लोर का है क्या, ऊपर वाले फ्लोर का हॉल है। और गाइज ऊपर जो है हमने सिर्फ दो गेट लगवाए हैं क्योंकि अभी थोड़े पैसे भी खत्म हो गए थे, और ये ऊपर वाले फ्लोर का कॉमन लेट बाथ है जो कि अभी यूज़ नहीं किया है, पर यहाँ पे मालती जी झाड़ू पोछा लगाती है ऊपर, तो ये थोड़ा गीला हो रखा है अभी। तो मैं अभी सारे रूम्स आपको दिखाती हूँ। ये गाइज यहाँ पे ये झूमर लगेगा उसके लिए ये पॉइंट छोड़ा हुआ है। अब मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। तो गाइज एक रूम ये है ऊपर वाले फ्लोर का, आप देख सकते हैं, और इधर से भी मैं दिखा देती हूँ। तो गाइज ऊपर हमने रूम ज़्यादा नहीं बनाए, 3 रूम्स ही बनाए हैं, पर वो पार्टीज के हिसाब से बड़े रूम्स बनाए हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी में। गाइज अभी हमने रेलिंग कहीं की भी नहीं लगवाई है, तो ये बालकनी है, ये बालकनी में हम लोग चलते हैं। तो गाइज जैसा मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से पूरा रेलिंग लगेगी, ये एलिवेशन है, और मैं यहाँ की टाइलें आपको बालकनी की टाइल्स आपको मैं दिखा देती हूँ। बालकनी की टाइल्स हम लोगों ने ये वाली पसंद की थी, अभी घर में जिन गाइस बच्चे नहीं हैं तो हमें रेलिंग का लगा, थोड़ा टाइम बाद में लगवा लेंगे, तो इतना अर्जेंट नहीं था। और यहाँ से गाइस हम लोग ऊपर वाली ड्राई बालकनी में भी आ सकते हैं। तो गाइज ऊपर वाली ड्राई बालकनी में हम लोग इस रूम से भी आ सकते हैं, और दूसरा हम लोग किचन से भी आ सकते हैं।
ये गाइस ऊपर जाने का रास्ता है। और ये मैंने आपको बताया था गाइस, सिर्फ हमने ऊपर दो रूम लगवाए हैं, दो ये गेट लगवाए हैं, वो भी इसलिए कि गंदा ना हो, डस्ट नहीं आए। और ये हम आ गए किचन में। तो गाइस ऊपर की किचन में भी दो एंट्री पॉइंट्स हैं, कहीं से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो गाइस ये किचन नहीं बोलेंगे, ये मिनी किचन है थोड़ा। तो जैसे ऊपर पार्टी करनी हो तो बार बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही सारा कुछ सामान रख सकते हैं खाने पीने का। तो गाइस ये रखा है, फ्रिज का कवर रखा हुआ है, हमने इसे फेंका नहीं, ये और रद्दी में भी नहीं दिया इसे। तो ये है मिनी किचन। जैसा आपने देख लिया होगा, अब ये हॉल आ गया। मैं इस रूम से गई थी और ड्राई बालकनी से होते 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 मैं इधर किचन में आ गई, और किचन से मैं आ गई यहाँ पे हॉल में, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। और अब चलते हैं एक रूम। तो गाइज ये वाला हो चुका है जो मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरा रूम ये वाला है। तो सब में कांच का लगा हुआ है, इससे आपको सारे रूम्स एक जैसे लगेंगे। ये है ना सेकेंड रूम है गाइज, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये अटैच लेट बाथ है जो कि लेबर ने यूज़ कर लिए थे, तो वैसे तो धुलवा लिया था, सफाई करवा ली थी, पर एक बार और इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। तो गाइज सेकंड रूम ये हो गया, और मैं आपको जो ऊपर का सेकंड रूम है उसकी बालकनी भी दिखा देती हूँ ढंग से। ये गाइस ये दूसरा, हमने बस सिर्फ दो गेट इसलिए लगवाए हैं, वो भी बाहर बाहर के, कि गंदगी नहीं आए। तो गाइस ये है हमारे सेकंड रूम की बालकनी। गाइस ये दोनों रूम की कॉमन बालकनी है, तो यहाँ पे भी अभी कांच की रेलिंग लगेगी। और यहाँ से मैं आपको कॉलोनी का व्यू दिखा देती हूँ, ऊपर से ऐसा दिखता है कॉलोनी का व्यू। गाइस यहाँ पे चाय कॉफ़ी बैठ के चाय कॉफ़ी पीने का बहुत मज़ा आता है। और इस बालकनी से हम लोग गाइस थर्ड रूम में एंट्री कर सकते हैं, पर रूम अंदर से अभी बंद है, तो मैं आपको दूर उधर से ही जाके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है बालकनी, पूरी बालकनी है ये। तो अब चलते हैं थर्ड रूम में। और गाइस बिल्कुल जस्ट इसके पास में है थर्ड रूम, तीसरा रूम। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये रूम भी काफ़ी बड़ा है, और इस ऊपर वाले फ्लोर में ये रूम सबसे बड़ा है। और गाइस इस वाले रूम से भी ये बालकनी है, वो दोनों रूम के लिए कॉमन है। तो हम लोग खोल देंगे गेट, और ये देखिए आप, गेट हमने खोल दिया है। गाइस अभी जो कांच हैं वो थोड़े गंदे हो चुके हैं, थोड़े गंदे हो चुके हैं कांच, जो अभी साफ करवाएंगे।
तो गाइस अब हम लोग चलते हैं टेरिस पे। गाइस टेरिस पे जाने का रास्ता यहाँ से है, तो ये लोहे की स्टेयर्स बनवाई हुई है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और यहाँ से पूरा कॉलोनी का व्यू दिखता है, तो वो मैं ऊपर से ही आपको दिखा दूंगी। ये है छत, छत पे गाइस 3 टंकियाँ लगाई हुई है, किचन की, एक कॉमन लाइट पाथ की और एक अटैच लाइट पाथ की, तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ जैसा भी है छत। तो गाइज अगर मैं आपको पूरा कॉलोनी का व्यू दिखाऊं, तो हमारी कॉलोनी ऐसी है गाइज। गाइज यहाँ पे हमने थोड़ा आउटर में लिया है घर, क्योंकि खुद हमें थोड़ा शांत वातावरण चाहिए था, क्राउड नहीं चाहिए थी, और पेड़ पौधे जहाँ लोग कम हो और नेचर ज़्यादा हो, क्योंकि जो पेरेंटल हाउस है वो तो मेन रोड पे है ना, तो हमें हमें थोड़ा ऐसा एक घर ऐसी जगह पे चाहिए था जहाँ पे थोड़ा नेचर का फील आए, क्राउड कम हो। और सीरियसली गाइस यहाँ पे रहकर मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आउटर में है गाइस, पर हमने ये सारी चीज़ें देखकर ही ज़मीन ली थी कि सारी फैसिलिटी है ना, तो पास के पास में सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं और सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। और गाइस ये फ्लैट नहीं है, ये घर है जो कि बनाया है हमने, पहले ज़मीन खरीदी उसके बाद घर बनाया। और गाइज इस घर को बनाने में, सीजे विला बनाने में केशु ने रात दिन मेहनत की है, रात दिन, और जितनी मैं केशु की तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि गाइज मेहनत मैंने भी की है पर मेरी मेहनत तो बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। केशु ने बहुत ज़्यादा, राजस्थान में हमारे इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है, इतनी धूप में 15 किलोमीटर डेली आना डेली जाना, घर को संभालना, वो घर के साथ में ऑफिस को संभालना, और पूरा सब कुछ अकेले अकेले खुद से किया है गाइज। तो ये जो था मेरे बर्थडे का सबसे प्यारा गिफ्ट था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि एक घर हो खुद का भी, जो कि भगवान जी ने दे दिया बहुत जल्दी। उसके लिए मैं और केशु भगवान जी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं एवरी डे, क्योंकि गाइज घर तो सबके पास होता है, पर एक होता है खुद की मेहनत से घर बनाना, खुद के दम पर सब कुछ करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो गाइज सब भगवान जी की आशीर्वाद था, सभी भगवान जी का, कि उन्होंने इतना किया, इतना सब कुछ दिया और सही टाइम पे घर बनवा दिया गाइस। क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद में घर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं।
तो गाइस ये था हमारा छोटा सा घर। आप लोग बताइएगा कि आपको घर कैसा लगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए जिससे कि मैं अब डेली ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि गाइस पहले तो प्रॉब्लम थी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, पर केशु ने अभी मेरे लिए नया फ़ोन ख़रीद के ले लिया है। मुझे ये नया फ़ोन दिलवा दिया है केशु ने, और है ना फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और हमें और इस फ़ोन में सबसे अच्छी बात यह है कि बिना माइक के ही बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो गाइज़ आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि मैं एनकरेज हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग पक्के से बताइएगा कि घर सच में आपको कैसा लगा। घर का जो आर्किटेक्ट लिया गया है, एलिवेशन है और जो भी चीज़ है वो आप लोग बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं गाइस कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।